पवित्र ऑर्थोडॉक्स लोग हैं. What is the pure orthodox? क्या है सबसे अच्छा ऑर्थोडॉक्स होना? Peter denied Jesus. जो पत्रस है वह यीशु मसीह को terrible sins. और उसने बहुत सारी गलतियां की. Jesus didn't throw him away. यीशु मसीह ने उसे बाहर नहीं किया. After few days. बहुत दिनों कुछ दिनों के बाद. He became the greatest apostle. और पत्रस सबसे अच्छा प्रेरित बन गया. So this failure in life. और उसके जो गलतियां जीवन में हुई थी. This sin in life. उसके जीवन में जो सारे पाप थे. For God. परमेश्वर के लिए. That's a means to change his life. वह एक समय था उसके जीवन को बदलने का. People that hurt you. और लोगों ने जो आपको सहायता किया है. You are holding bitterness. आपके हृदय में जो बहुत लोगों के लिए दुख खेद है. You feel angry. आप गुस्सा हैं. Your teachers and nurses and parents. आप जो शिक्षक को के विरोध में and your friends and relatives. दोस्त और मित्र और परिवार जन. बहुत सारे लोग हो सकते हैं. People in the church. कलीसिया के लोग. When you understand God. जब आप परमेश्वर को समझते हैं. Past, present, future. There is no nothing like it's all in the present. आप जब समझते हैं पीछे की बात अभी की बात आगे की बात नहीं सारी so, बात अभी वर्तमान की हो जाती है. So how do you respond to all this? उसके बाद आप इसे किस प्रकार से देखते God, हैं? You loves me. परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं. And I love people. और मैं आपसे प्रेम करता हूँ. Love all people. सारे लोगों से प्रेम करें. That never you think, oh, he is that religion, this religion, that religion. I don't like them. No, they are all our brothers and sisters. आप धर्म के आधार पर लोगों को ना बांटें, लेकिन जानें कि सभी परमेश्वर के संतान हैं. It is through love Jesus saved us. क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से हम सभी बचाए जाते हैं. It is not by fighting. और हम किसी से लड़ाई करके बचाए नहीं जाते. Not by arguing. और बहुत सारी बातों करके बचाए नहीं जाते हैं. Love people. आप लोगों से प्रेम. Somebody who says. जब कोई कहता है अरे क्या यार आपको पागल हो गया. जब कहता है कि आप पागल हो गए हैं. Jesus you talk about. आप यीशु मसीह कह रहे हैं. Don't worry about it. आप उसके बारे में ना सोचें. Buy him Coca-Cola. आप एक कोका-कोला खरीदें. Get him some food. और कुछ खाना दे दें. Be his friend. और उनकी दोस्त रहें. Call and talk to him. और उनसे आप बातें करें. Don't talk about religion. और आप धर्म के बारे में ना कहें. And he will begin to think. और उसके बाद वह सोचने लगेगा. What is wrong with this man? इस इंसान के साथ में क्या अलग बात है. And they will find out. और उसके बाद उन्हें पता चलेगा. He just love him. और यीशु मसीह प्रेम करता है. And that is bigger than all the sins and problems. और यह प्रेम सारी उन परेशानियों और पाप से बहुत बाहर है. As a metropolitan of the church. और कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन होते हुए. My greatest dream is this. मेरा सबसे बड़ा दर्शन यह है. That our church will be known as a people that love all people. मैं हमारी कलीसिया के जन जाने जाएंगे जो हर एक लोगों से प्रेम करते हैं. And That must start in your home. और यह आपके घर से शुरुआत होना चाहिए. With your parents. आपके माता पिता के द्वारा. With your younger brothers and sisters. आपके छोटे भाई बहन के साथ में. With the neighbors. आपके आसपास के लोगों के साथ में. And this week here. और इस सप्ताह यहाँ पर. I pray that you will be filled with the love of the Lord Jesus. आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं अपने जीवन में यहाँ पर. That will be the greatest gift I will have from you. और मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार आप देंगे कि आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं यहाँ पर. That bring us to the exact time I should stop. और अब उस सही समय पर मैं आ गया हूँ जहाँ पर मुझे खत्म करना चाहिए. Would you please stand with me for prayer? आप मेरे साथ प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं. We are going to take just a minute of silence. हम मिनट के लिए एक मिनट के लिए शांत होने के लिए जा रहे हैं. Nobody is saying anything. कोई भी कुछ बातें नहीं करने जा रहा. Nobody is moving. कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा है. You all have your eyes closed. और आप सभी की आंखें बंद हैं. And I want you to think. और आप अपनी आंखों को बंद करें और सोचें. The Lord Jesus Christ is standing next to you. जो प्रभु यीशु मसीह है आपके बगल में He खड़ा knows every hair on your head. वह आपके सर के हर एक बालों को जानता He knows your thoughts. वह आपके हर एक सोच को जानता He knows your problems. वह आपकी हर एक परेशानियों को जानता है. He knows all about you. वह आपकी हर एक मुश्किलों को जानता है. And imagine now. और अब आप यह सोचें. He has his arms around you. वह अपनी हाथों को आपके चारों ओर रखा And है. He says, और वह कहता है I died for you. मैं तुम्हारे लिए मरा. All your sins I paid the price. और तुम्हारे सारे पापों के लिए मैंने भुगतान किया. Your future is secure in my hand. तुम्हारा भविष्य मेरी हाथों में सुरक्षित है. You don't need to know how. तुम्हें यह नहीं सोचना कैसे. I am the way. मैं मार्ग हूँ. Walk with me. मेरे साथ चलो.
The next few seconds of silence. अगले कुछ समय जो हम शांत हैं. Quietly. शांति के साथ. You say these words. आप इन बातों को कहते हैं. Dear Lord Jesus. प्रिय यीशु मसीह. Here is my life. यह मेरा जीवन है. I give it to you. मैं आपको देता हूँ. Please Lord. कृपया करके परमेश्वर. Touch my heart. मेरे हृदय को छुए. Change my heart. मेरे हृदय को बदले. No one can do it, Lord. कोई और नहीं कर सकता. You can do it. सिर्फ आप कर सकते हैं. For time and eternity. समय और आने वाले समय में. I am yours. मैं आपका हूँ. Thank you for loving me. मैं आपके साथ हूँ. If you said those words. अगर आपने इन बातों को कहा है. I want to have a short prayer for you. मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करना just चाहता हूँ. Quietly, as everybody close your eyes, just quietly raise your right hand. अगर आप अपनी हाथों को उठाएं, जिनके लिए प्रार्थना मैं करूँगा. Just raise your hand, right आप hand. आप अपनी हाथों को दाएं हाथ को उठाएं. This act of faith where Jesus, God the Father, the Holy Spirit, see it. And the angels in heaven see it. The saints in heaven see it. The cloud of witnesses in heaven. The church went before us see it. And the heaven rejoices. और यह जो विश्वास का कदम आपने उठाया है, यह स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत, सारे जन, सभी लोग और कलीसिया और सारे संत सभी देख रहे हैं और परमेश्वर आपको देख रहा है. Father in heaven, we thank you for this day. हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, मैं इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ. Thank you for these my precious children. और इन सारे सब कीमती बच्चों के लिए धन्यवाद. Thank you, they are part of the believers Eastern Church. धन्यवाद, ये believers Eastern Church का भाग हैं. We are one family. हम सभी एक परिवार हैं. Dear Lord, thank you that you answered their prayers. हे पिता, आपने इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया. धन्यवाद. Everything is going to be new. हर एक चीज आपके साथ होने के लिए जा रही है. Bless each one. हर एक को आशीष प्रदान करें. Give them peace. आप उन्हें शांति दें. Give them faith. आप उन्हें विश्वास दें. I speak your grace upon them. और मैं आपकी आशीष इनके ऊपर मांगता हूँ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से. Amen.